मासूम को मारा है, सब कहेंगे अपराधी को मारा है, बाकी उसके लिए झूठ बोलने के लिए मेन स्ट्रीम की मीडिया है जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है या नोएडा नर्तक संघ कहा जाता है, ये सब है ढोल बजाने के लिए। इनके मुंह में रुपया ठूस दीजिए, ये कल ही आपको अपराधी बना देंगे। अच्छा, यादव सेना आज मंगेश के घर पे पहुंची है। अभी हम मौजूद हैं मंगेश यादव के घर जौनपुर में, जहां से हम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी दर्शकों को मंगेश यादव की सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे, उसका घर दिखाने की कोशिश करेंगे। और आज यहां पे यादव सेना संगठन की टीम आई हुई है, यादव सेना संगठन के लोग आए हुए हैं। आए दिन रोज कोई ना कोई यहां आता जाता रहता है, लोगों का तांता सुबह से शाम तक लगा रहता है। क्या मंगेश यादव वाकई में डकैत था या फिर जबरदस्ती केवल जाति को लेकर के उसे फंसाया जा रहा है? क्या डीके शाही ने निष्पक्षता के साथ वास्तविकता को देखते हुए उसका एनकाउंटर किया है, या फिर डीके शाही कहीं ना कहीं इस मामले में संलिप्त हैं? तमाम ये सवाल है, क्योंकि अपराधी कई जाति से थे, उनके साथ कुछ भी नहीं होता है, किसी तरह का कोई एनकाउंटर नहीं किया जाता है, बल्कि जो मास्टर माइंड माना जा रहा है विपिन सिंह को, उसका सरेंडर कराया जाता है, यूपी पुलिस तत्वाधान में सरेंडर कराती है, एसटीएफ कराती है। आप लोग आज आए हुए हैं मंगेश के घर पे, यहाँ देखने के बाद, लोगों से मिलने के बाद क्या लगा कि मंगेश क्या वाकई में डकैत इतना बड़ा था या दुर्दांत अपराधी था? यहाँ की झोपड़ी और इस गांव के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि वो इतना सीधा बच्चा था कि कोई उसकी तेज आवाज नहीं सुना था और पुलिस का अपराधी है। तो जब मुख्यमंत्री विधानसभा में झूठ बोल रहे हो किसी जात विशेष का यादव का नाम लेके कि फला अपराध फला यादव अपराधी है, उसके घर बुलडोजर चलेगा, जो करेगा वो भरेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो आप उस प्रदेश में पुलिस से उसी बिरादरी के एक एसटीएफ के अधिकारी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसका पिछला रिकॉर्ड इतना गंदा रहा हो, जो पैसा लेके कुछ भी कर सकता हो, वो किसी को भी अपराधी बना सकता है। अच्छा, हो सकता है कल आपको भी बना दे, हम परसों हमको भी बना दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये किसी को भी बना सकते हैं। अच्छा, तमाम सवाल जो डीके शाही के ऊपर खड़े हो रहे हैं, ये क्यों खड़े हो रहे हैं? डीके शाही का चरित्र ही ऐसा रहा है, पूरा लखनऊ घूम लीजिए, जिन जिन थानों पर रहा है पता चल जाएगा आपको कि डीके शाही का चरित्र कैसा है। डीके शाही की खुद की पत्नी भाजपा में है, राज्य महिला आयोग की सदस्य है, डीके शाही के दो दो एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं खरगापुर में, जिसमें हर हफ्ते कार्यक्रम होते रहते हैं, मंत्री नेता बुलाए जाते हैं, अधिकारी बुलाए जाते हैं, और दो नंबर के पैसे एक नंबर करने के ट्रस्ट से अच्छी व्यवस्था भी नहीं कोई होती है, जिसे ट्रस्ट में जो लूटे हुए पैसे हैं उसको भी दो नंबर के पैसों को एक नंबर में कर लेना है। अब तो एक नंबर का पैसा सब दाने दान आ रहा है, लेकिन वो दान नहीं आ रहा है, वो किसी गरीब को लूटा जा रहा है, किसी गरीब को एनकाउंटर करने की धमकी देके उसका पैसा लिया जा रहा है, ये पुराना कारोबार है इनका। अच्छा, डीके शाही के जो तार हैं कहीं ना कहीं सीधा सत्ता पक्ष से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की सह पे जातिवाद का परिचय देते हुए मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया है। जब मुख्यमंत्री विधानसभा में खुद कह रहे हैं तो फिर सह का ये खुली छूट दी गई है यादव के को कि मारो बैकवर्ड दलित को, यादव को मार दो, मुसलमान को मार दो, तुम्हें खुली छूट है, कोई नहीं कहेगा कि तुमने किसी मासूम को मारा है, सब कहेंगे अपराधी को मारा है, बाकी उसके लिए झूठ बोलने के लिए मेन स्ट्रीम की मीडिया है जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है या नोएडा नर्तक संघ कहा जाता है, ये सब है ढोल बजाने के लिए। इनके मुंह में रुपया ठूस दीजिए, ये कल ही आपको अपराधी बना देंगे। अच्छा, यादव सेना आज मंगेश के घर पे पहुंची है, उसकी हत्या या एनकाउंटर हो जाने के बाद, क्योंकि क्लियर नहीं है कि क्या ये हत्या है या एनकाउंटर है, तो ये चीजें हो जाने के बाद मंगेश यादव के घर पे पहुंची है, लेकिन इसी मामले में एक आजमगढ़ के अरविंद यादव को भी उठाया गया है। क्या कल को यादव सेना तब उसके घर पे पहुंचेगी जब अरविंद का एनकाउंटर हो जाएगा? कि अरविंद का एनकाउंटर अब नहीं होगा, बातचीत हमारी उसके परिवार से भी हो रही है, हमारे आजमगढ़ का ही मामला है, इन्होंने उसको सरेंडर करवा दिया। इस मामले में इन्होंने सोचा इसको निपटा के हम अपनी पीठ तब तबा लें, बता दें कि बहुत बड़ा अपराधी मार दिया गया, इसको तुरंत 1,00,000 का अपराधी घोषित कर दिया और करके इसको मार के अपनी पीठ तब तबा लिए। लेकिन तब तक यादव समाज उठ के खड़ा हो गया, भाई देखने के बाद कहां से लग रहा है ये अपराधी, कब तक तुम छुपाओगे, है ना, कब तक तुम अपने अपराध को कानून का नाम दोगे, रामराज का नाम दोगे? अगर यही रामराज है तो मैं बड़े ईमानदारी से कहता हूँ मुझे ऐसा रामराज नहीं चाहिए,
उस रामराज में शंभू का बदनाम ने कर दिया था, इस रामराज में योगी निर्देश यादव को मरवा रहा है, दोनों की जाति एक ही है। तमाम यादव सेना प्रमुख का कहना है कि जाति को देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है, इनकाउंटर नहीं बल्कि इनका कहना है कि मंगेश यादव की हत्या की गई है।